बॉब कट बाल, चेहरे पर एक चार्म, साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज और बला के खूबसूरत, वह जहाँ खड़ी हो जाती थी वहाँ का माहौल ही बदल जाता था। सांसद क्या, मंत्रियों के बीच भी उन्हें लेकर खास दीवानगी थी। उन्हें ग्लैमरस गर्ल ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। वो थी तारकेश्वरी सिन्हा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 मार्च 1971 के अंक में उनकी आवाज़ को शहद सरीखी बताया। ये भी लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें सख्त नापसंद करती थी। इंदिरा को लगता था कि तारकेश्वरी उनके पति फिरोज से बहुत करीब है। इंदिरा के इस शक की तस्दीक बाद में कई लोगों ने कई तरह से की। इंदिरा पर जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में लिखा, किसी जमाने में फिरोज गांधी का अफेयर खुले आम तारकेश्वरी से चला था। इंदिरा ने कभी इसे पसंद नहीं किया। यही वजह थी कि जितना नापसंद एक जमाने में उन्होंने तारकेश्वरी को किया, उतना शायद ही किसी महिला को किया हो। कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि फिरोज गांधी के रोमांटिक रिश्ते संसद की ग्लैमर गर्ल के नाम से पॉपुलर तारकेश्वरी सिन्हा से थे। तारकेश्वरी के पिता पटना में सर्जन थे। वह उनकी अकेली लड़की थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वह छात्र राजनीति में कूद पड़ी। देखते ही देखते बिहार की बड़ी छात्र नेता के रूप में उभरी। उस समय उनकी उम्र बमुश्किल 19 से 20 साल रही होगी। इसके बाद 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खूबसूरती के साथ उनमें दबंगई भी थी। बहुत युवा उम्र में ही उनकी शादी छपरा के जाने माने भूमिहार जमींदार परिवार में तय कर दी गई। पति निधि देव सिंह तब बड़े वकील थे और राज्य सरकार के मुकदमों को लड़ते थे। शादी के बाद तारकेश्वरी सिन्हा फिर से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़ी। इस बीच लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो इकोनॉमिक्स में एमएससी करने चली गई। वहाँ भी वह डिबेट में हिस्सा लेती और अपने तर्कों से लोगों पर जादू कर देती। हालांकि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर लौटना पड़ा। बिहार के तो सारे नेता युवा तारकेश्वरी को जानते ही थे, लेकिन केंद्र में नेहरू और दूसरे नेता भी उनसे रूबरू हो चुके थे। 1952 में उन्हें पटना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया। वह जीती और महज 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गई। तब वह बेबी ऑफ हाउस थी, तो ग्लैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी। कई लोगों ने उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा। कहा जाता था कि उस समय बहुत से सांसद लोकसभा में आते ही केवल इसलिए थे कि वो तारकेश्वरी को देख सके या बोलते हुए सुन सके। तारकेश्वरी की भी खासियतों की लंबी फेहरिस्त थी। वे एक से एक साड़ियां पहनती थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि कभी वह उसे दोहराती नहीं थी। वह अपने लुक के प्रति बहुत सचेत थी। बहुत से नेता तो उनसे बातचीत हो जाने को ही अहोभाग्य मान लिया करते थे। जब तारकेश्वरी फिरोज गांधी के साथ देखी जाने लगी तो सहज ही लोगों को विश्वास होने लगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध कवि नागार्जुन के बेटे सुकांत नागार्जुन कहते हैं, हो सकता है कि फिरोज से उनकी दोस्ती की बातें सच हों। हो सकता है कि उनकी दोस्ती उनसे हो गई हो। उन्हें लेकर कई किस्से गढ़े गए, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन है। वो कहते हैं कि तारकेश्वरी राजनीति में केवल ड्राइंग रूम गर्ल नहीं थी, बल्कि जबरदस्त सोशल थी। उन्होंने बहुत काम किए। तारकेश्वरी सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि फिरोज के साथ हम अपने आप को बेहद सुरक्षित समझते थे। उनसे बात करके एहसास होता था कि मैं भी इंसान हूँ। बड़े रसिक व्यक्ति थे। अब ऐसे लोग कहाँ जो भीतर बाहर से एकदम स्वच्छ हों। फिरोज भाई ने ही मुझे एहसास दिलाया कि मैं खिलौना नहीं हूँ। हम अच्छे दोस्त थे। लोग इंदिरा गांधी के कान भरते रहते थे। एक बार किसी ने कहा कि आप गलतफहमी से दूर करवाइए, इंदिरा जी आपके बड़े खिलाफ हैं। पर मैंने सोचा कि इसके लिए कोई कारण तो है ही नहीं। अगर मैं फिरोज भाई से बात करती हूँ तो इसमें कौन सी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने कई वर्षों तक तारकेश्वरी सिन्हा को माफ नहीं किया। तारकेश्वरी सिन्हा का संबंध मोरारजी देसाई से भी जोड़ा गया, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में उन्होंने इंदिरा के मुकाबले मोरारजी के लिए कैंपेन चलाया। फिर जब कांग्रेस टूटी तो वह साफ तौर पर उनके साथ भी रही।
14 अगस्त 2007 को उनका देहांत हो गया। उनके निधन की खबर शायद ही दिल्ली के किसी अखबार में छपी हो। ये हैरानी की बात है कि जो महिला नेता अपनी खूबसूरती से लेकर तेज तर्रार राजनीति के लिए दिल्ली और वहाँ के मीडिया में खबरों में रहती थी, उसे तब सबने भुला दिया जब उसने आखिरी सांसें ली। आपको यह खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।